हेलो बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर लिंक को करने वाले हैं। तो लिंक में आपका जूम मिलता है, ठीक है। जूम समरी, जूम सेक्शन, जूम स्लाइड जूम, ये तीनों क्या ऑप्शंस होता है, इसका क्या यूज है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ये जो है लेटेस्ट वर्जन में आया हुआ है, यानी कि 2021 में भी शायद है, उतना हमको पता नहीं है, बट ये 2024 वाले ऑप्शंस में है, ठीक है। और ये मेरे को पहले नहीं आता था, इसको मैंने पूरे ट्यूटोरियल को देखा, उसके बाद मेरे को जहां तक समझ में आया उस लेवल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लिंक जो है बहुत पहले से है, एक्शन भी पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जूम को समझते हैं। जूम में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, इसके ऊपर मैंने इस पे क्लिक किया, होम पे गया और स्लाइड पे गया और एक ब्लैंक स्लाइड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फिर से इंसर्ट टैब पे आते हैं, ठीक है, और लिंक जूम पे जाते हैं, सॉरी लिंक के अंदर जूम पे जाते हैं और जूम में समरी जूम करते हैं। और इसमें जो है हम ये फर्स्ट वाला यानी कि इंट्रोडक्शन पावर पॉइंट, यानी सॉरी इंट्रोडक्शन पावर पॉइंट नहीं, यहाँ पे पावर पॉइंट का फर्स्ट जो लुक होता है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और देन इसके बाद मैं स्लाइड टू को भी सिलेक्ट, थ्री को भी सिलेक्ट करता हूँ, जिसमें आपका हाउ टू ओपन माइक्रो पावर पॉइंट कैसे ओपन होता है उस चीज को लिखवाया गया है। उसके बाद स्लाइड फोर भी लेता हूँ, फाइव भी, ऐसे करके मैं पूरे स्लाइड को इंसर्ट कर लूंगा। जैसे मैंने इंसर्ट किया यहाँ पे ऐसे दिखेगा, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जूम स्लाइड, जूम, ठीक है। मैंने यहाँ पे जूम लिख लिया, जूम ऑप्शंस, मैंने ऑप्शंस लिख लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बाहर की तरफ क्लिक करता हूँ और मैं इसको डायरेक्टली स्लाइड शो में चला जाता हूँ, यानी स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि हाउ टू ओपन बताना है, हाउ टू ओपन पावर पॉइंट, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो हाउ टू ओपन पावर पॉइंट का पूरे तरीके से विंडो खुल जाएगा, ठीक है, यानी कि पूरा नोट्स हाउ टू ओपन पावर पॉइंट का खुलेगा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही फिर से क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, तो फिर से ये पीछे की तरफ, यानी कि फिर से सभी, मतलब सभी स्लाइड आ जाएंगे, ठीक है, जूम स्लाइड के ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे देखो फाइल टाइप को भी, अगर आपको पावर पॉइंट के ऑल डिटेल्स टाइप के बारे में पता करना है तो इस पे क्लिक करो, ये खुलेगा। इसको फिर से बैक की तरफ मतलब लेके जाना हो, पुश करना हो तो क्लिक कर दो, चला जाएगा। फिर से अगर ये स्लाइड को ओपन करना हो तो ऐसे कर दो, फिर इसको पीछे ले जाना हो फिर से क्लिक करो, इस पे फिर से ओपन करो। जैसे जैसे आप जिस भी टॉपिक को आप समझाना चाहते हो, बेसिकली इसका यूज कब हम लोग करते हैं, जब किसी स्टूडेंट को समझाना होता है किसी टॉपिक के बारे में, तो ये पूरे टॉपिक को क्या होता है, जूम के हेल्प से हमने पूरे टॉपिक को एक पेज पे सेट कर दिया। सेट करके क्या किया कि मेरे को एक एक करके सभी सभी स्लाइड को समझाना है, तो मैं एक एक करके क्लिक करके सभी स्लाइड को समझा सकता हूँ बच्चों को, ठीक है, ऐसे करके देख सकते हो ऐसे। तो यही होता है जूम का यूज, ठीक है। अब इसको कैसे बंद करें, स्किप बटन प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगा, कीबोर्ड से स्किप बटन प्रेस करना तो आपका बंद हो जाएगा। अब इसके बाद ये देखो ये ऑटोमेटिक ये सेक्शन बन जाता है, तो इस पे उतना मतलब कवर अप मत कीजिएगा इसको उतना, आप इसके बाद आप सेक्शन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस सेक्शन में कन्वर्टिंग कैसे होता है, सेक्शन वाले में से सेक्शन से होता है, लेकिन इसमें कोई सेक्शन बना हुआ नहीं था, इसी कारण जो है समरी सेक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या कराया, समरी सेक्शन कराया। अब यहाँ पे इस पूरे को रिमूव करना है तो ऑल रिमूव कर देंगे, तो जितने सारे सेक्शन थे वो सब गायब हो जाएंगे और यहाँ पे लिंक भी हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से हमारा ये सभी जो मतलब सभी जूम का जो सेट होता है वो सभी डिलीट हो गया, यानी सभी चीज को हटा दिए। अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सेक्शन भी मैं आपको इसी के अंदर इंसर्ट टैब में, जूम के अंदर ये सेक्शन है, सेक्शंस जूम्स, तो इसमें क्या होता है मैं इसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ पे जो है पावर पॉइंट बेसिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, सॉरी होम टैब पे जाता हूँ और सेक्शन पे आता हूँ, ऐड सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस सेक्शन का नाम दे देता हूँ, अनटाइटल अभी है, इस सेक्शन के अंदर मैं पुट करता हूँ बेसिक इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ पावर पॉइंट, पावर पॉइंट,
बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ पावर पॉइंट, मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सभी एक स्लाइड बना, अब ये एक नॉर्मल स्लाइड बना। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से दूसरा स्लाइड बने, यानी कि यहाँ से एडवांस हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं सेक्शन एक और बना लूंगा, एड सेक्शन, और यहाँ पे मैं एडवांस लिख दूंगा, एडवांस ऑप्शंस पावर पॉइंट। ओके, मैंने पावर पॉइंट लिख के रीनेम कर दिया। तो यहाँ पे दो सेक्शन बना, एक सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन। ये दोनों सेक्शन को मैं चाहता हूँ कि, और ये डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है, इस पर उतना केयर मत कीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, डॉक्यूमेंट नहीं ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ, ठीक है। मैं ब्लैंक स्लाइड पे क्लिक किया और इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इंसर्ट टैब में फिर से आता हूँ, जूम पे जाता हूँ, देखो सेक्शन वाला ऑप्शन ऑन हो गया। अब मैं सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो दो सेक्शंस है, एक सेक्शन नंबर वन में जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और एक सेक्शन नंबर टू, यानी कि तीन सेक्शन है, एक डिफॉल्ट वाला सेक्शन है और एक सेक्शन टू है जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और सेक्शन थ्री जिसमें एडवांस ऑप्शन है, ठीक है। मैं इस पर जैसे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो देखो दोनों आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक साथ इंसर्ट करना काफी डिफिकल्ट, काफी गड़बड़ हो जाएगा, अब काफी सारा प्रॉब्लम होगी। मैं क्या करता हूँ कि एक एक करके इंसर्ट करता हूँ, यानी सेक्शन नंबर वन इंसर्ट किया एक पे, और इसको मैं उठा के इधर रख दिया, और मैं एक और इंसर्ट करूंगा फिर से सेक्शन नंबर टू, यानी कि मैं बाहर क्लिक करूंगा सेक्शन नंबर टू पे, यानी सेक्शन पे जाके जूम दूसरा भी सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दूंगा। तो देखो ये दोनों इंसर्ट हो गया। अब मैं दोनों को यहीं पे रखूंगा, और जैसे ही मैं इसको स्लाइड शो में मैं क्लिक करता हूँ तो देखो दोनों आया, लेकिन इस पे जैसे ही अप्लाई करोगे तो इस पे दो, इस पे जितने सारे पेजेस हो गए वो सब खुलेगा, उसके बाद ये क्लोज होगा, यानी कि बैक पीछे जाएगा, जूम आउट होगा। अब इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी जूम इन होगा। अब ये देखो एक एक करके स्लाइड कंप्लीट होने के बाद, यानी सेक्शन के अंदर जितने सारे स्लाइड्स हैं वो कंप्लीट होने के बाद वो खत्म होता है, ठीक है। तो ऐसे था आपका जूम। और इसके बाद आपका एक और ऑप्शन था जूम के अंदर ही, आपका स्लाइड जूम। इसमें क्या होता है, ये डिफरेंस, ये नॉर्मली ऐसे ही होता है, आप कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें भी आप चेकअप कर सकते हो कैसे कैसे सेटअप होता है, आप ऐसे सेट कर सकते हो, तीन इंसर्ट करो तो ये आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो ये अलग अलग भी आप कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ करोगे तो आपको क्लिकिंग फॉर्मेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, देखो पीछे वाला हमने क्लिक किया, देखो फ्रंट वाला क्लिक हो गया, ऐसे करके सेटअप होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें से मैं स्किप बटन प्रेस करता हूँ और मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे फिर से इस पर क्लिक किया, सेक्शन पे गया और मैं दूसरा सेक्शन इंसर्ट किया, एक और इंसर्ट हुआ, मैं इसको इधर रखता हूँ। फिर से गया, मैं इस पर बाहर क्लिक किया पहले, सबसे पहले फिर से गया जूम पे, स्लाइड जूम पे गया, और इसके बाद मैं अगला सेक्शन को भी सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया, ये तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, सॉरी, और चलो सिक्वेंस हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करता हूँ, देखो मैं इस पर क्लिक किया तो ये खुला, देखो ऐसे करके स्लाइडिंग होता है, यानी कि ऊपर से नीचे ऐसे करके सेटअप होगा, देखो देख रहे हो, यानी कि ऐसे ये सेटअप होता है। इस पर क्लिक करो, देखो अगला खुला। तो एंडिंग पॉइंट था ये, यानी कि एंडिंग से फिर से स्टार्टिंग होता है, यानी फर्स्ट पे जाता है, ऐसे करके ये सभी चीजें सेटअप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लग रहा होगा कि आपको जूम समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।